इंद्र बारिश को, बारिश का इंद्र देवता जो है उनको बारिश का देवता कहा जाता है, क्योंकि जब बारिश का देवता बरसता है और बरसात करता है, नदियां समंदर बन जाती हैं और काफी रफ्तार से बहने लगती हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। इस बार इंद्र बारिश नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने वज्र से प्रहार कर रहे हैं, जिसकी मार पूरी दुनिया झेल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी कई राज्यों में अब की बार देखने को मिली। जब से अगस्त शुरू हुआ है, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं चट्टान दरक रही है, नदियों में तूफान आया है जो अपने साथ सब बहा ले जा रहा है। इसलिए हमने लिख दिया है, आसमान से वज्र प्रहार, अगस्त में हाहाकार। कश्मीर में बादल फाड़ तबाही, तूफान के देवता से लड़ाई। नंबर ऑफ मशीन्स जो है, एक्सकवेटर्स जो है, वो बढ़ाए जा रहे हैं। हिमाचल में जिंदगी की खोज, शहर शहर बर्बादी का रोग। बादल फटने की वजह से इस गांव में तबाही हुई थी। गंगा की लहरों में उफान, निशाने पर गंगोत्री धाम। तो अभी भी आप देखिए तो नदी का बहाव जो है वो काफी ज्यादा तेज है। अब लेकर ध्यान दें, गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। आप लोग, आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप बैठ के ही स्नान करें। कुदरत से खिलवाड़, डरा देगी नदियों की चीत्कार। सैलाबी चक्रव्यूह में इंसान, मलबे में तब्दील मकान। मलाना फन डैम फट गया है। दो मलवा, दो मलवा, दो मलवा। रेस्क्यू ऑपरेशन का फिल्मी सीन, इंसानों को बचाने उतरी मशीन। अगस्त में शामत, बारिश है या कयामत। अगस्त का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हाहाकारी होता जा रहा है। पहले हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटे, अब कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बादलों को यह कौन सी बीमारी लगी है, क्योंकि केदार घाटी और हिमाचल के जख्म अभी तक हरे हैं। जहां मलबा है, मलबे के भीतर पत्थरों के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है, और इन सब के बीच गंगा की रफ्तार डरा रही है जो भागीरथ शिला तक पहुंच गई। बादलों का ब्रेक फेल हो गया है या फिर इंसान कुदरत के चक्रव्यूह में कैद हो गया है, क्योंकि पहले बादल बरसते थे, अब फट रहे हैं। और इस बार निशाना बना है धरती का स्वर्ग। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। सैलाब के रास्ते में जो भी आया मलबे में तब्दील हो गया। दरअसल आधी रात को जब लोग सो रहे थे, तब बिजली की रफ्तार से बादल गरज रहे थे, और फिर तेज आवाज आई और बादल फट पड़े, और जब सुबह हुई तो चारों तरफ मलबा था। घर बार और कार सब मलबे में दबे थे। प्रशासन ने लोगों को स्थिति सामान्य होने तक श्रीनगर करगिल मार्ग पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है।
क्योंकि बादल फटने से श्रीनगर करगिल मार्ग कई जगह से ठप पड़ गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में केदार घाटी की स्थिति अभी संभली नहीं है कि गंगोत्री धाम की तस्वीरें डराने लगी हैं, जहां गंगा नदी इस कदर उफान पर आई है कि पानी भागीरथ शिला तक पहुंच गया है। और आरती स्थल बह गया है। गंगा का ये रौद्र रूप मनेरी डैम खोलने की वजह से हुआ है। वहीं इन सब के बीच केदार घाटी में 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ धाम में फंसे हुए 373 यात्रियों को रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट के जरिए लिंचोली भेजा गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड पर बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। हम अपनी टीम के साथ SDRF के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे। ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया। इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ के फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। अभी हेलीपैड की सॉर्टिंग शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। केदार घाटी में फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए सेना ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सेना उन रास्तों को ठीक कर रही है जो बर्बाद हो चुके हैं। सेना ने सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच एक अस्थायी पैदल पुल का निर्माण किया है। इस वक्त उत्तराखंड के ज्यादातर रास्ते या तो ठप पड़े हैं या नदी नालों में बह गए हैं। और आलम यह है कि केदार घाटी हो या देहरादून, हर जगह जिंदगी की जंग जारी है, या यूं कहें कि उत्तराखंड के लिए अगस्त भारी है। सैलाब के चक्रव्यूह में जो फंस रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है, लेकिन इस मानसून में जितनी मुश्किलें आसमान से आ रही हैं, उतनी मुश्किलें इंसान खुद अपने लिए खड़ी कर रहा है। वो कभी ऐसे पहाड़ पर पहुंच जाता है जिसकी जमीन खोखली हो चुकी है, तो कभी ऐसे किले जहां की सीढ़ियां, वहां जो झरना बह रहा है उससे मुसीबत आ खड़ी होती है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आफत कैसे चौतरफा घेरे हुए। कुदरत जब अपनी पर आती है तो ना इंसान देखती है न भगवान। ये तस्वीरें लोनावाला के एक वीरा मंदिर की हैं, जहां बारिश का पानी झरने की शक्ल में कहर मचा रहा है। झरने का पानी मंदिर की सीढ़ियों से बह रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हैं, जो उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। वहीं ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पूरी तरह डूब गई हैं। बारिश में झरने कितने खतरनाक हो जाते हैं, इसका अंदाजा आप राजस्थान के भीलवाड़ा से आई इस तस्वीर से लगा सकते हैं। मेनाल झरने के पास लोग पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन नहाते समय 4 लोगों के पैर फिसल गए और बात जान पर बन गई। वो तो भला हो वहां मौजूद सुरक्षा बलों का, जिन्होंने बैरिकेटिंग के सहारे से 4 लोगों को बचा लिया। मानसून के सीजन में लोग भी अपनी जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। जिस लड़की को लोग रस्सी की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र के सतारा में बोने घाट पर सेल्फी ले रही थी, तभी पैर फिसला और 100 फीट नीचे घाट में गिर गई। बाद में स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से लड़की को बाहर निकाला, इलाज के लिए अस्पताल ले गए। लेकिन सेल्फी खींचते समय या पर्यटन का लुत्फ लेते वक्त लोग भूल जाते हैं कि एक गलती की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार बारिश से जिंदगी कैद हो गई है, पानी घरों में घुस गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी घरों में घुस चुका है और लोग जान माल की रक्षा करने में लगे हैं। इन सब के बावजूद प्रशासनिक अमला किसी का हाल पूछने तक नहीं आया। पानी भरा हुआ है, इसकी निकासी नहीं हो रही क्या? कहां से निकलेगा पानी, रास्ता ही नहीं निकलने कहीं। कोई रास्ता नहीं बनाया? कोई रास्ता नहीं बना। नगर निगम कुछ नहीं किया यहां? कुछ भी नहीं किया, देखिए कितना पानी भरा है। हालात मध्य प्रदेश के रायसेन के भी ठीक नहीं है। नदी नाले सब उफान पर हैं, कहीं सड़क बह गई है तो कहीं पुलिया। मंडीदीप सफलापुर के मुंडला गांव में 3 लोग बेतवा नदी में बह गए। मंडला में लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी और दूसरी उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई हैं। मंडला में नर्मदा नदी के रपटा घाट पर बना पुराना छोटा पुल डूब गया है, साथ ही नर्मदा घाटों में बने मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा का डेंजर लेवल 437 मीटर पर है और अभी 437.9 मीटर पर पानी पहुंच चुका है। चिरायू अस्पताल है, ये चिरायू अस्पताल के चारों ओर पानी का लेवल बढ़ गया है, यानी कि कैचमेंट एरिया में है और चारों ओर जो बड़ा तालाब है भोपाल का लाइफलाइन कहे जाने वाला, उसका पानी अब सड़क के दोनों ओर है, यानी कि ये जो चिरायू अस्पताल है इसके आसपास भी पानी पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं लगातार, यानी कि ये हाईवे है और हाईवे से थोड़ी ही सा ही कुछ पानी बचा हुआ है। पानी का कहर भोपाल भी झेल रहा है, जहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर पूरी तरह डूब चुका है। पिछली बस्ती वहाँ पर जल भराव की स्थिति हो गई है और ट्रैक्टर की दुकानें होती है, उनके ट्रैक्टर भी किस तरह पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में जेल रोड पे यह हालात है, जो निचली बस्ती है वहाँ पर जल भराव की स्थिति हो चुकी है। लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, मौसम विभाग ने भी 24 घंटे हाई अलर्ट जारी किया है। पानी चिरायू अस्पताल तक पहुँच गया है। कटनी जिले में हो रही लगातार 48 घंटे से मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कटनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके साइड इफेक्ट अब रिहायशी इलाकों पर दिख रहे हैं। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं एक एक मंजिल तक पानी है। मौजूद है कटनी नदी में और गाटा घाट में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मकान है लगातार कटनी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और लगातार लोगों का मकान डूब गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो हनुमान मंदिर है, आधा हनुमान मंदिर डूब गया है और जो लोगों के जो मकान है वो भी डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये हालत बरगी बांध के तेहरा गेट खोलने से हुई है, जहां एक साथ इतना पानी आया कि नर्मदा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गौरी घाट से लेकर सिद्ध घाट और उमा घाट सब पानी में डूब गए हैं। तेहरा गेट खुल चुके हैं, यहां पर टीम लगी हुई है, 3 टीम लगी अलग अलग। यहां पर जितने भी सारे मंदिर है सारे डूब चुके हैं, घाट भी डूब चुके हैं, किनारा कोई किनारा नहीं आपको नजर आएगा, सारी जगह देखोगे पानी ही पानी नजर आएगा। तो पब्लिक को हमें ये हिदायत बार बार देते हैं कि यहाँ पर भीड़ ना लगाए, दर्शन करके माता जी के रवाना। प्रशासन ने निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से नर्मदा नदी से दूर रहने की अपील की है, लेकिन लोग मानेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी स्थिति जहाँ जहाँ आती है लोग खुद ही खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं।